हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कटिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं कटिंग टूल की टाइप्स के बारे में, किस किस टाइप के होते हैं कटिंग टूल्स। उसके बाद हम समझेंगे कि कटिंग टूल की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे अभी जो हम कटिंग टूल्स यूज़ करते हैं उनके लिए कौन से मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो बेसिकली कटिंग टूल्स की दो टाइप रहती हैं, पहले टाइप है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स और सेकंड टाइप है इसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। बेसिकली ये दो क्राइटेरिया जिसमें उसको डिवाइड किया गया है, कहीं कहीं आपको इसकी क्लासिफिकेशन इस तरह से दिखेगी। पहले टाइप आपको कहेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सेकंड में आपको कहेंगे डबल पॉइंट कटिंग टूल, और थर्ड टाइप कहेंगे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। बट बेसिक क्राइटेरिया जो वो यही है कि दो टाइप के होते हैं, सिंगल और मल्टी पॉइंट। ये किस पे डिपेंड है कि अगर हम टूल की बात कर रहे हैं उसमें जो कटिंग एज है, अगर वो एक कटिंग एज है तो हम बोलेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, अगर जो टूल है हमारे पास उसमें एक से ज़्यादा कटिंग एजेज हैं तो हम बोलेंगे वो टूल हमारे पास मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। जैसे अगर हम टर्निंग टूल्स की बात करें जो टर्निंग ऑपरेशन के काम आते हैं, शेपिंग टूल्स की बात करें, प्लेनिंग टूल की बात करें, स्लॉटिंग टूल की बात करें, तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की। ठीक है, तो वैसे ही अगर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स की बात करें तो मिलिंग कटर्स जो रहते हैं, ड्रिलिंग टूल्स रहते हैं, ग्राइंडिंग व्हील रहते हैं, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स की। क्योंकि आपको देखा, आपने देखा होगा टर्निंग टूल्स में लास्ट की वीडियो में डिस्कस भी किया था, जब हम लेथ में ऑपरेशन अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, टर्निंग के लिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं। तो वो हमारे पास रहा सिंगल, क्योंकि सिंगल पॉइंट रहता है, उसका सिंगल एज रहता है काटने वाला, तो सिंगल पॉइंट। तो ड्रिलिंग के लिए हमें पता है दो बिट्स लगे होते हैं किसी किसी में, तो वो हमारे पास मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स में आ जाएगा। तो ये था बेसिकली सिंपल टाइप्स किस तरह की होती हैं कटिंग टूल्स की। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़, जो यहाँ पर हम मशीन टूल की बात कर रहे हैं कटिंग टूल्स की, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी, हॉट या फिर रेड हॉटनेस। इसका बेसिकली मतलब है कि ये एक एबिलिटी ऐसे कटिंग टूल की जिसके कारण वो हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे भी वो मटेरियल जो हमारे पास कटिंग टूल है वो काम कर सकता है। यानी कि हॉट या फिर रेड हॉटनेस किसी भी कटिंग टूल की ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा होगी वो उतने ज़्यादा टेम्परेचर पे काम कर पाएगा। ठीक है, सेकंड है वेयर रेजिस्टेंस। वेयर बेसिकली मतलब है, वेयर का आप किसी चीज़ को बार बार यूज़ करते जाओ तो वो थिन हो जाएगी, वीक हो जाएगी, उसको बेसिकली हम कह सकते हैं वो है वेयर। तो वेयर रेजिस्टेंस का मतलब है कि कटिंग टूल मटेरियल की ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस वेयर को रेजिस्ट करे, जो भी उसमें वेयरिंग वगैरह होती है उसको वो रेजिस्ट करे, ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारे पास मशीन टूल या फिर कटिंग टूल में। वैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास टफनेस। अब जो हमारे पास कटिंग टूल है उसमें इतनी टफनेस तो होनी ही चाहिए कि वो इम्पैक्ट लोड, अगर कोई सडन लोड पड़ रहा है, इम्पैक्ट लोड पड़ रहा है, तो उसको वो एब्जॉर्ब कर सके, इतनी उसमें प्रॉपर वो एबिलिटी होनी चाहिए। जब यानी कि वो इम्पैक्ट लोड पड़ रहा है, शॉक्स हो गए, वाइब्रेशंस हो गए, मशीनिंग के टाइम पे शॉक्स वाइब्रेशन तो होता ही है, तो इन सभी चीज़ों को अगर वो एब्जॉर्ब कर ले तो हम बोलेंगे कि उसकी ज़्यादा टफनेस है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है थर्मल कंडक्टिविटी। एक ऐसा मटेरियल जिसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो हीट को ईजिली वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकता है, डिसिपेट कर सकता है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे पास जो भी मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा रहे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो हमारे पास आता है कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें कटिंग टूल की, तो वो हमेशा कम ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन कम रहेगा तो टूल के बीच में और चिप्स जो निकलती हैं, हम कट जैसे टर्निंग कर रहे हैं तो मेटल से कोई चिप्स बाहर निकलती हैं, तो उनके बीच में फ्रिक्शन कम होगी। अगर फ्रिक्शन कम होगी तो क्या होगा, जो चिप्स जो हैं वो ईजिली वहाँ से निकल जाएंगी। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कटिंग टूल जैसे किसी चीज़ को काट रहा है, चिप्स को काट रहा है, तो वो चिप्स क्या होंगी, उस कटिंग टूल के साथ चिपक जाएंगी, उसके एज के साथ चिपक जाएंगी, जिसके कारण वो उस टूल को ख़राब कर देंगे। तो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन भी कम रहना चाहिए। उसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें कटिंग टूल मटेरियल की, तो वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी तो, अगर थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी तो मटेरियल जो भी है वो हाई टेम्परेचर में मेल्ट हो जाएगा। तो हम इसलिए ये चाहेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहे। नेक्स्ट जो है वो सिंपल चीज़ है, कॉस्ट। कॉस्ट जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉस्ट कम रहनी चाहिए, जो कटिंग टूल की कॉस्ट है वो ऑप्टिमम कॉस्ट रहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कम कॉस्ट की बात करें, कम कॉस्ट में हम अगर कटिंग टूल ले लें तो ये हो सकता है कि उसके कारण वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, जिसके कारण हमें बार बार मशीन्स को रोकना पड़ेगा, क्योंकि टूल चेंज करने होंगे, तो जो कि कॉस्टलियर पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो सस्ता रहेगा कि हमने सस्ते में ले लिया उसको, बट बाद में वो लॉन्ग रन की बात करें तो हमें महंगा पड़ेगा। तो बेटर, उसे बेटर तो ये रहेगा आप एक ही बार महंगा टूल ले लो, तो वो कम से कम ज़्यादा देर तो चलेगा। अगर लॉन्ग रन की बात करें, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होगी, लेकिन लॉन्ग अगर लॉन्ग रन की बात करें तो वो ज़्यादा बेटर चलेगा। तो
तो कॉस्ट जो है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। तो ये थी बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि कटिंग टूल मटेरियल में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कटिंग टूल मटेरियल्स की, जो भी हमारे पास हैं हम या फिर यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला है कार्बन टूल स्टील, या कार्बन स्टील कह लो। ये जो स्टील्स हैं हमारे पास, ये थोड़े सस्ते रहते हैं, चीप रहते हैं, और इनको बनाना भी ईजी है। चीप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हम बाकी कंपैरिजन करेंगे, बाकी चीज़ें बताऊँगा टूल मटेरियल्स, उनके रिलेटिवली ये चीप रहता है। ठीक है, अगर हम प्लेन कार्बन स्टील की बात करें इनकी, तो इनके कंपोजिशन की बात करें तो 0.6 से लेके 1.5% तक कार्बन रहता है, और कुछ अमाउंट में मैंगनीज सिलिकन वगैरह भी रहते हैं, और इनका जो अमाउंट है वो 0.5% से कम ही रहता है। ये जो मटेरियल हैं ये अपनी हार्डनेस जो है वो अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस 250 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए तो इनकी हार्डनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है, अपनी हार्डनेस को लूज़ कर जाते हैं ये कार्बन टूल स्टील। इसलिए इनको हम हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पर हम इन टूल स्टील को यूज़ नहीं कर सकते कार्बन स्टील को। और यही रीज़न है कि इसको लो कटिंग स्पीड्स में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमें कटिंग स्पीड कम चाहिए, कम रखनी होगी, वहाँ पे हम कार्बन टूल स्टील को यूज़ कर सकते हैं। और अगर बेसिकली बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए, जब भी हमें सॉफ्ट मटेरियल्स की मशीनिंग करनी हो, जैसे कि ब्रास की, एलुमिनियम की, मैग्नीशियम की, इनकी मशीनिंग करनी होगी, तो हम कार्बन टूल स्टील को यूज़ करेंगे। ये था हमारे पास पहला मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं अभी भी, चाहे कम यूज़ करें बट यूज़ करते हैं अभी भी, या कभी यूज़ किया जाता था। अब हम बात करते हैं सेकेंड मटेरियल जो हमारे पास हाई स्पीड स्टील है, जिसे HSS भी कहा जाता है। एच मीन्स हाई, SS मीन्स स्पीड स्टील। अब इनका नाम हाई स्पीड स्टील इसलिए पड़ा था क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड में काटते थे। किसके कंपैरिजन में? कार्बन स्टील के कंपैरिजन में बात करें तो ज़्यादा स्पीड में काम करते थे, ज़्यादा स्पीड में कटिंग कर सकते थे। बट आज की बात करें तो नाम कुछ ये सही नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो इससे भी बेटर टूल्स या बेटर मटेरियल्स हमारे पास आ गए हैं, जो इससे भी डबल ट्रिपल स्पीड में काम कर लेते हैं। तो जब कार्बन स्टील की बात करें तब तक के लिए नाम बेटर था, बट अब रख दिया था नाम, तो ये नाम अभी तक चलता आ रहा है, हाई स्पीड स्टील। तो बेसिकली ये क्या है? हाई कार्बन स्टील है, जिसमें एलोइंग एलिमेंट्स जैसे कि टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम, ये सब भी ऐड कर दिए जाते हैं ताकि हार्डनेबिलिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि कार्बन स्टील का क्या था, 200-250 डिग्री पहुंचेगा तो हार्डनेस कम हो जाएगी। तो उसके लिए हमने टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम बढ़ा दिया ताकि हार्डनेबिलिटी बढ़ जाए, टफनेस बढ़ जाए, और वेयर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए। ठीक है, तो एक्सीलेंट हार्डनेस तो इसकी बेटर है ही है, और साथ ही साथ ये अपनी हार्डनेस जो 650 डिग्री तक मेंटेन कर सकता है, रिटेन कर सकता है। कार्बन से 250 डिग्री तक था, ये 650 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन कर रहा है उसको। अब हाई स्पीड स्टील में बेसिकली दो सीरीज़ आती हैं, एक आती है टंगस्टन सीरीज़, एक आती है मॉलिब्डेनम सीरीज़। टंगस्टन सीरीज़ की बात करें तो इसमें जो सबसे फेमस या सबसे पॉपुलर जो हमारे पास मटेरियल है वो है 1841 HSS। इसका मतलब है कि इसमें 18% टंगस्टन है, 4% क्रोमियम है, और 1% वेनेडियम है। ये मतलब है इस 1841 HSS का। सिर्फ यही नहीं होता, साथ में 0.5 से 0.75% तक कार्बन भी होता है, बट मेन कंटेंट जो है वो ये रहता है हमारे पास 1841, 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, और 1% वेनेडियम। वैसे अगर हम मोलिब्डेनम सीरीज़ की बात करें तो वो हमारे पास है 6642 हाई स्पीड स्टील। इसमें हमारे पास 6% टंगस्टन रहता है, 6% मोलिब्डेनम, 4% क्रोमियम, 2% वेनेडियम, और साथ ही साथ 0.6% तक इसमें कार्बन रहता है। और इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है ड्रिल्स के लिए, रीमर्स के लिए, काउंटर बोर्ड्स के लिए, मिलिंग कटर, गियर कटर, इन ये जगह सारी इन जगह सभी जगह में इसको यूज़ किया जाता है हाई स्पीड स्टील को। अब नेक्स्ट हम बात करें तो हम बात करते हैं कास्ट नॉन फेरस एलॉयज़ की। अब इसका नाम कास्ट नॉन फेरस एलॉयज़ इसलिए पड़ा है क्योंकि नॉन फेरस एलॉयज़ हैं और कास्टिंग की हेल्प से बनाए जाते हैं। अगर कि एक टिपिकल एलॉय की बात करें, इस जो इसको इस कैटेगरी के अंडर आता है, उसका नाम है स्टेलाइट। तो स्टेलाइट बेसिकली अगर उसकी कंपोजिशन की बात करें तो उसमें 30 से 35% तक क्रोमियम रहता है, 43 से 48% तक कोबाल्ट रहता है, 17 से 19% तक टंगस्टन रहता है, और अप्रोक्सीमेटली 2% तक कार्बन रहता है। अगर कास्ट नॉन फेरस एलॉयज़ की बात करें तो इनके जो मतलब अगर हम जैसे हम बात करते हैं वो हार्डनेस यहाँ तक मेंटेन कर रहा था, हार्डनेस यहाँ तक मेंटेन कर रहा था, उसको एजिस एजिस या कि हार्डनेस की बात कर लो, ये 900 डिग्री सेल्सियस तक चलता सही चल जाता है। अगर कंपेयर करें हम इसको कास्ट नॉन फेरस एलॉयज़ को हाई स्पीड स्टील से, तो इसको हम इसकी जो कटिंग स्पीड है वो डबल हो जाएगी हाई स्पीड से। हम कह रहे थे कि हाई स्पीड स्टील जो सबसे उनको नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि ज़्यादा कटिंग स्पीड में वो काम करते थे, लेकिन उनसे भी डबल स्पीड वाले आ गए हमारे पास कास्ट नॉन फेरस एलॉयज़। ठीक है, तो ये क्रोजन रेजिस्टेंट भी होते हैं लेकिन ये ब्रिटल होते हैं, तो ये इंसर्ट्स की फॉर्म में होते हैं। इनको हम बेसिकली क्या करते हैं, टूल का जो हमारे पास शैंक रहता है वहाँ पे इसकी ब्रेजिंग कर देते हैं, उसके साथ लगा देते हैं इसकी। ठीक है, क्योंकि कटिंग स्पीड भी ज़्यादा होती है, क्रोजन रेजिस्टेंट भी होता है, बट ये ब्रिटल भी रहता है, ये किसी डिसएडवांटेज है कास्ट नॉन फेरस एलॉयज़ की।
अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास कार्बाइड्स आते हैं। कार्बाइड बेसिकली ये भी कटिंग टूल इंसर्ट्स हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की अभी पीछे। तो ये बेसिकली इसके कंपोजिशन की बात करें तो मेनली इसमें टंगस्टन कार्बाइड के पार्टिकल्स रहते हैं, यानी कि टंगस्टन और कार्बाइड मिक्स करके रहते हैं। और ये किसके कारण रहते हैं, कोबाल्ट या फिर निकल को हम यूज़ करते हैं बाइंडर के तौर पे, यानी कि कोबाल्ट या फिर निकल की हेल्प से टंगस्टन और कार्बाइड को जोड़ा जाता है। स्ट्रेट टंगस्टन कार्बाइड की बात करें तो इनमें 94% तक टंगस्टन रहता है, 6% तक कोबाल्ट रहता है। और इनको यूज़ किया जाता है मशीन, जब भी हमें कास्ट आयरन या इस तरह के मटेरियल्स की मशीनिंग करनी हो तब हम इस स्ट्रेट टंगस्टन कार्बाइड को यूज़ करेंगे। और इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टील की मशीनिंग के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर स्टील की मशीनिंग के लिए यूज़ करेंगे तो जो चिप्स रहती हैं वो टूल के साथ चिपक जाती हैं। और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए टेंटलम, टाइटेनियम जैसी चीज़ें इसमें ऐड कर दी जाती हैं। और ये कार्बाइड की बात करें तो पाउडर मेटलर्जी टेक्निक से इनको बनाया जाता है, जैसे मैंने लास्ट में बात की इसको कास्टिंग से बनाया जाता था, इसको पाउडर मेटलर्जी टेक्निक से बनाया जाता है। इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा रहती है, बट इनकी स्पीड्स की बात करें तो वो 4 से लेकर 6 टाइम्स बेटर रहती हैं हाई स्पीड स्टील से, यानी कि जितनी स्पीड में हम हाई स्पीड स्टील में काम करते हैं उसे 4 से 6 गुना ज़्यादा स्पीड में हम इसकी हेल्प से काम कर सकते हैं। तो देखो वो अभी कहाँ पे हाई स्पीड स्टील हमने नाम दिया था और कहाँ पे कार्बाइड आ गए, उनकी स्पीड से 4 से 6 गुना ज़्यादा स्पीड है इसकी। अब हम बात करें कि कटिंग एजेस की, तो वो 1200 डिग्री सेल्सियस तक ठीक चल जाते हैं। और ये हार्ड भी रहते हैं, इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहती है, बट ये फिर से वही ब्रिटल हैं और इम्पैक्ट लोड को ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसको सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इनको भी बेसिकली इंसर्ट्स के तरह यूज़ किया जाता है, इनको भी टूल के शैंक पर लगाया जाता है, जैसे कि हमने बात की नॉन फेरस अलॉयज को लगाया जाता था। और मटेरियल्स की बात करें तो उसमें सिरेमिक्स आते हैं या सीमेंटेड ऑक्साइड्स कह लो, बेसिकली ये सीमेंट सिरेमिक्स बोलो सीमेंटेड ऑक्साइड्स बोलो, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के पाउडर होते हैं जिसमें एडिटिव्स का भी यूज़ किया जाता है। जो एडिटिव्स हम यूज़ करते हैं वो टाइटेनियम, मैग्नीशियम या फिर क्रोमियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। सिरेमिक जो भी तक हमने जितने भी डिस्कस किए मटेरियल्स, उन सब में से हार्डर रहता है, ज़्यादा हार्ड रहता है। और जो अपनी हार्डनेस जो है 1100 डिग्री सेल्सियस तक ये रिटेन करता है, मेनटेन कर जाता है। हार्डनेस तो हमें चाहिए क्योंकि जिस वर्क पीस पे काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही हार्ड होना चाहिए जो हमारा कटिंग टूल होगा, क्योंकि उससे कम हार्ड हो तो खुद टूट जाना है उस मटेरियल ने। तो इसकी हार्डनेस जो सबसे ज़्यादा रह रही है अभी तक जो भी हमने डिस्कस की है, ठीक है। अब डायमंड की बात करें तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किए मटेरियल्स, सबसे ज़्यादा हार्ड डायमंड रहेगा। पहले हम सिरामिक्स की बात कर रहे थे, बट उससे भी हार्ड हमारे पास डायमंड है। अभी तक हम आज तक वैसे यही पढ़ते थे कि डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, बट सबसे हार्डेस्ट मटेरियल डायमंड नहीं है। हमने जो डिस्कस किए हैं यहाँ पे मटेरियल्स, उन सब में जो हार्डेस्ट मटेरियल है वो डायमंड है। बट अभी डायमंड से भी हार्डेस्ट मटेरियल जो इस वक्त आ चुके हैं वो अलग बात है। अब हम डायमंड की बात करें तो कि कॉस्ट जो ज़्यादा रहती है, सिंपल सबको पता है इसके बारे में, कॉस्ट ज़्यादा रहती है। तो डायमंड को हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें ऐसे मटेरियल्स पर मशीनिंग करनी हो जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो, या फिर जो बाकी के टूल मटेरियल्स हैं जिनकी मशीनिंग करना मुश्किल हो, वहाँ पे हम डायमंड को यूज़ करते हैं। या फिर ऐसी एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें हायर एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश चाहिए। तो ये था बेसिकली कटिंग टूल्स के बारे में। इसके बाद हम कटिंग टूल्स की और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे बाद की वीडियोज़ में, जैसे हम नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे जिसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे कटिंग टूल में क्या क्या होता है, रेक एंगल वगैरह, वो शैंक फ्लैग सब कुछ वो डिस्कस करेंगे हम। तो धीरे धीरे इसके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। अगर किसी भी तरह का डाउट है आज की वीडियो में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।